तक पेट्रोल पंप स्टॉप किया और पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, बिल्कुल पेट्रोल इसका हैंडी में, जो मैंने कहा पहले इसका नाश्ता करवा लें। और यहाँ पे ना अच्छी खासी हवा चल रही है, दो बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो लगता है हमारी बारी तो नहीं लगेगी। तो इतनी रश है ना, हमें आगे भी जाना है। तो ये झील बना हुआ है माशाल्लाह, लोग देखो यहाँ पे कश्तियाँ चला रहे हैं, जो कि ये मस्जिद है तकरीबन 600 साल पुरानी, कुछ साल कम। बाकी इंशाल्लाह अब चलते हैं अंदर, आपको इसके अंदर का व्यू भी दिखाते हैं, इसकी जो तख्ती लगी हुई है वो भी आपको सब दिखाते हैं। और ऊपर जो वो बने हुए हैं ना, दो मीनार बने हुए, एक वो है सामने और एक उधर है वो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? तो वैसे ठीक है, दुबई से मैं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक, ईद एंड सेकंड डे, ईद का दूसरा दिन व्यूअर। आज ना मैं आ गया हूँ शारजा इस होटल पे। मैडम ने ना थोड़ा सा हमारे प्लान के अंदर खलल डाल दी। सुबह जब मैं नींद से सो के उठा ना, तो मैडम की वॉइस आई थी, कहते हैं मोहम्मद 12 बजे यहाँ पे चले जाओ लोकेशन पे, वहाँ से कुछ खाने का सामान है वो उठा के ले आओ। कहाँ? रैसल खेमा, जो कि यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके ड्रॉप कर रहे हैं। 10 मिनट वेट करो, अभी इस वक्त फाइनल नहीं हुआ, खाना रेडी नहीं हुआ, 10 मिनट अभी वेट कर लेते हैं। ये वही होटल है गाइस, यहाँ पे ना रमजान शरीफ में आया था ना, तो यहाँ से वो 30 बॉक्स मैंने पैक किए थे और गरीबों में बांटे थे ना, वही होटल है। अब गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में, बस अल्लाह करे गाइस कि जल्दी से यहाँ से निकलूँ, उसके बाद रसल खेमा ड्रॉप करके आऊँ, फिर हम जाएँ इंशाल्लाह घूमने फिरने के लिए। आज का हमारा थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम अभी भी है, इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जाने का प्रोग्राम था, चलो वो तो डिसमिस हो गया, अब सेकंड टाइम जाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर ये आ चुके हैं, दो पार्सल हैं, बस अब इनको जल्दी से पहुँचाते हैं रसल खेमा। इसने ना होटल वाले ने 10 मिनट का करा था, लेकिन तकरीबन मेरे हिसाब से 20 मिनट लगा दें, 18-20 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं रसल खेमा, वहाँ पे समय रोना हुआ था 12:35 पे, अभी 1:20 होने वाला, यानी कि 45 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह 140 के स्पीड से गाड़ी को, यानी कि मैं रोड पर रखा 140 का स्पीड था, वो 140 पे ही लेके आया, तब भी आके 45 मिनट में यहाँ पहुँचा। ये देखो माशाल्लाह ये घर है, सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मेरे अरबाब की गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही, शायद उसके अपने घर पे खड़ी होगी। और ये काम तो हो गया, और मेरा जो अरबाब था उसने कहा मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वो बनावा गया हुआ है, वहाँ पे भी उनके कज़न हैं ना। और 1:21, लेकिन पहले हमने पढ़ना है नमाज दुहर की, आते हुए मैंने रास्ते में स्टॉप नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर मस्जिद खुली थी, अभी ये बंदा बंद कर रहा है मस्जिद को, एंड टाइम पे पहुँच गया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली। बस अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं अजमान, उसके बाद फिर जो आज का हमारा प्लान है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ जाना है आज इंशाल्लाह, किस साइड पर। बिस्मिल्लाह, टाइम हो रहा है 1:30 बज गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लाहिल्मुकरनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रवाना हो चुके हैं तो अपने घर से, तो अभी हम जा रहे हैं फुजेरा वाले साइड पे गाइस, जायद, उसके बाद आएगा मसाफी, जुम्मा बाजार, फिर आगे दिब्बा, फुजेरा, कलबा, वो साइड पे जाने का रहता है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लेकिन यहाँ से पहले लेते हैं चाय पी के निकलते हैं, और चाय मैंने सुबह से नहीं पी आज के डेट में। ये गई आ गई हमारी चाय माशाल्लाह, आज के डे की पहली चाय, फर्स्ट चाय। बिस्मिल्लाह, खाना हमने खा लिया था विदाउट कैमरा, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के निकले रूम से बस, लेकिन चाय पीना था, चाय आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज मेरे साथ हैं रिजवान और कमरान। कमरान साहब सलाम करो और व्यूअरों को ईद मुबारक दियो यार। अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है, ठीक हो? पंडित वैसे ठीक है, और रिजवान सारी तरफ ईद मुबारक, ठीक है व्यूअर, क्या हाल है, ठीक? और हम अभी गाइस इस वक्त पहुंचने वाले हैं जायद,
जैद सिटी आगे आने वाला है तकरीबन जस्ट यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है। गाइस हम इंटर हो चुके हैं जैद सिटी में, ये इसका पहला राउंड अबाउट है। अगर आप आ रहे हो ना पीछे शारजे से ना, तो ये फर्स्ट राउंड अबाउट है जैद का। यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे और उसके बाद आगे एक मशहूर जो राउंड अबाउट है बड़ी मस्जिद वाली, वहाँ से हम लेंगे राइट मसाफी की तरफ यानी कि फुजेरा की तरफ। ये आगे गए बड़ी मस्जिद वाली राउंड अबाउट, यहाँ से हम टर्न लेंगे राइट फुजेरा की तरफ और इसके बाद जो आने वाली है वो है गए इसके जुमा बाजार, तो उसका भी व्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पेट्रोल पंप स्टॉप किया और पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, बिल्कुल पेट्रोल इसका हैंडी में चलवा गए, पहले इसका नाश्ता करवा लें। और यहाँ पे ना अच्छी खासी हवा चल रही है जोर की माशाल्लाह। ये आगे व्यूअर जुमा बाजार, सूख जुमा लिखा हुआ है, ये देखें लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सब दुकानें हैं, यहाँ पे क्लीन वगैरह रखे हुए हैं और आगे जो हैं फिर फ्रूट्स वगैरह हैं माशाल्लाह। ये है जुम्मा बाजार का व्यू और यहाँ पे स्टॉप पार्क भी आपको दिखा दें इंशाल्लाह। और ये मस्जिद भी है, नमाज भी पढ़ना है हमें वैसे। ये चेक करें गाइस, ये फ्रूट लगे हुए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक आपको भी। सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रबारक। आप बांग्लादेश से हैं ना जी? माशाल्लाह क्या बना सो। ये फ्रिज में रखे हुए ये चीजें देखते हैं, कुछ खाने के लिए लेना है लेकिन मेरे ख्याल में नमाज पढ़ के आए फिर आगे रिजवान, पहले नमाज पढ़ ले हैं मेरे ख्याल में। काफी चीजें हैं, सब्जियां फ्रूट हर चीज रखे हुए हैं माशाल्लाह। दस दरम का एक पैक है, जैसे सही हो हमें नहीं पता, लंबाई में कट करो मुश्किल नहीं है, चौड़ाई में कट कर रहा है। चलो ठीक है कट करो। ये वर सैंपल आ चुके हैं, बिस्मिल्लाह खा के चेक करते हैं। अच्छा है मामू, ठंडा भी है और मीठा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यवहार नमाज पढ़ ली अल्लाह के फजल से पहाड़ों के दरमियान, देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत। और यहाँ पे यार वो मट्टी के बर्तन भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये क्या है, तंदूर है गाइस, ये तंदूर बना हुआ है और बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं माशाल्लाह। ये बतख हैं, हिल रहे हैं यहाँ पे ना, ये सब सामान मट्टी के हैं, मट्टी से बने हुए देखें। ये चाय के लिए और ये पानी का गिलास। सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कहाँ से आप? पाकिस्तान कहाँ से है? कहाँ से? किधर से है? पिशावर से माशाल्लाह। ये हांडी, चिकन हांडी बनाने के लिए, मटन हांडी जबरदस्त, वो खाना वाले खाना वाले। और ये खरगोश भी बना हुआ है, ये भी पानी के लिए व्यूअर। ये चेक करें और व्यूअर, इन्हें तरबूज खाना है तो आ जाए बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम खुद खा रहे हैं। पहाड़ों के बीच बीच हमने स्टॉप किया है, तो हमने कहा पहले इनको जगह दे दें बिस्मिल्लाह। पानी तो आ रहा होगा जबरदस्त है व्यूअर, ठंडा भी है और मीठा भी है। तरबूज खा के मैं थक गया हूँ, तो अभी भी इसमें दो पीस और पड़े हैं, वो भी बड़े वाले, तो बस मैं यही लास्ट खा के बस फिर इंशाल्लाह निकल रहे हैं। और गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह बहुत ही पुरानी मस्जिद, जो कि तकरीबन 650 साल पुरानी मस्जिद है, वहाँ चलेंगे अभी। इसके बाद हम आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे उस मस्जिद की इंशाल्लाह। ये गाइस आगे गार फुरकान रोड पे ना, इसी तरह के तकरीबन कोई 3-4 से 5 गारें हैं, जो कि अभी इसके ऊपर पहाड़ी है, हम अंदर से क्रॉस हो रहे हैं। गाइस तो इस वक्त हम पहुंचे हैं फुरकान पार्क में, चेक करें।
झील बना हुआ है, यहाँ पे लोग कश्तियाँ चला रहे हैं। हमारा भी कुछ प्लान था कश्ती चलाने का, लेकिन क्या है यहाँ पे इतनी रश लगी हुई ना, वो देखो ये सब कश्ती पे जाने के लिए इन्होंने अपने टिकटें लिए हुए हैं और अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लगते हैं हमारी बारी तो नहीं लगेगी, तो इतनी रश है ना, हमें आगे भी जाना है। तो ये झील बना हुआ है माशाल्लाह, लोग देखो यहाँ पे कश्तियाँ चला रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। और वो जो पहाड़ है ना, यहाँ पे बंदे ऊपर जा रहे हैं, वो पैदल जाने का रास्ता है वो पहाड़ के आखिरी चोटी पे जाने के लिए। और आप पब्लिक देखें, रोड पे ट्रैफिक देखें, रश लगी हुई है। हमारी गाड़ी भी वो दूसरे साइड पे खड़ी हुई है, क्योंकि हमने आगे जाना है फुरकान की तरफ। तो ये कैमरामैन शारजे का जो चैनल है उसका है, और चलते हैं आगे थोड़ा सा, आगे का भी आपको दिखाते हैं और लोगों का जो रश लगा हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। ये रश चेक करें आप, हैं यहाँ पे लाइन लगने का फायदा भी नहीं है ना ही नंबर लगेगा, कि इतनी रश है ना, शायद 2 घंटे के बाद ही नंबर आए। लेकिन मैं करीब से आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। और ये कह रहे कि कोई कचरे का है तो डब्बा बोतल इसमें डाल लें। ये देखेंगे, ये कश्ती चलाने का अपना ही मजा है। डर लगी, ये देखें काफ़ी सारा रश लगे हुए आज भी। और ईद पे दिन ना यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम तो बड़े प्लान लेके आए थे कि इतना इंशाल्लाह घूमेंगे यहाँ पे, तो कश्ती का सैर भी करेंगे, पानी के में जाएंगे, कश्ती चलाएंगे, लेकिन आज ये नामुमकिन है, क्योंकि तो सब अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए बना हुआ, देखें बच्चे सबसे अच्छे लग रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि ईद तो है ही बच्चों का ना। व्यूअर चेक करें जाने का भी और आने का भी, कितना ट्रैफिक है आज ने ना, ट्रैफिक ने हमें घेर लिया फंस चुके हैं पूरी तरह रश में। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वहां पे, जो कि ये मस्जिद है तकरीबन 600 साल पुरानी, कुछ साल कम बाकी इंशाल्लाह। अब चलते हैं अंदर, आपको इसका अंदर का व्यू भी दिखाते हैं, इसकी जो तख्ती लगी हुई है वो भी आपको सब दिखाते हैं। और ऊपर जो वो बने हुए हैं ना, 2 मीनार बने हुए हैं, एक वो है सामने और एक उधर है, वो है 2 मीनार भी बने हुए हैं। ये देखो इसका पूरा लुक जो है बिल्कुल उसी दौर की है, पुराने दौर के, और लोग भी काफ़ी आए हुए हैं देखें। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं वो मस्जिद, जो कि तकरीबन 650 साल पुरानी मस्जिद है। काफ़ी टाइम के बाद पहुँचे हैं कि रोड पे इतनी ट्रैफिक थी ना, और चेक करें माशाल्लाह कितने सारे लोग आए हुए हैं माशाल्लाह इस मस्जिद को देखने। तो ऊपर वो किला भी बना हुआ है, किला नुमा है, बाकी इसका व्यू जो हम जाके ना आपको अंदर से भी दिखाते हैं कि किस तरह के, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं माशाल्लाह ये देखें। ये पहले आप इसका बाहर का व्यू चेक कर लें, इसका जो कलर दिया हुआ है ना अभी तक सेम वैसे ही है, जैसे कि मिट्टी का वो ना देखें, मिट्टी से बना हो, सेम वही डिजाइन है देखें इसको है। और ऊपर वो किला है, और किला के साथ सामने वो चांद भी नज़र आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और ये है वो कुआं, ये भी पुराने वो उसी दौर का, ये चेक करें पानी का डोल। और सबसे पहले आपको इस मस्जिद की तख्ती दिखाते हैं, जो कि ये लगा हुआ है आप देखें पढ़ें, और दिखाएंगे अंदर का भी, ये अंदर देखें, ये इनका बाहर का मेन एंटर है, इसका दरवाजा चेक करें, लकड़ के लगे हुए हैं। बस चलते हैं, ये दरवाजा है, बिस्मिल्लाह देखें लकड़ की ये चीज़ें भाई सेम वही पुराने डिज़ाइन का, ये इसकी सहन है, ये मस्जिद की सहन है, बाकी ये डिज़ाइन है, चेक करें माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। ये इनका मेन दरवाज़ा, यहाँ से एंटर है। हर हर
ये इसकी मेंबर है, मेंबर भी बने हुए, और ये जानवाज यहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं। ये इसका बाहर का व्यू है, देखिए माशाल्लाह। इसके अंदर ना तकरीबन तीन कुंबल बने हुए हैं, दो ये है, एक ये है, एक वो है, और एक पीछे है। तीन कुंबल बने हुए हैं और मेंबर भी है अंदर, आपने जो देखा। वही साहब, मैं आपको ना इसकी बैक साइड से कुछ व्यू दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ ऊपर जाने के। ऊपर चढ़ के ना तो ये मस्जिद नीचे थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगी, कोशिश करते हैं। ये देखें साइड से भी देखें, माशाल्लाह 6 सदियां पुरानी मस्जिद, जो कि कुछ साल कम। अब मैं आ गया हूँ ऊपर, ये चेक करें हैं। ये इसका बैक साइड है, इसके 4 गुंबद बने हुए हैं, मैंने समझा कि 3 हैं, 4 गुंबद बने हुए हैं माशाल्लाह। और यो अच्छी बात है ना कि इसका मिंबर भी अभी तक बाकी है, यहाँ पे यानी कि इमाम साहब बैठ के जुम्मे का खुतबा दिया करते थे खड़े होके ना, तो वो भी अभी इसका बाकी है। जिसने भी बनाया उसके लिए हदका जारी है, इतने लोग यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, और पता नहीं उसने बनाया कैसे होगा उस दौर में है। नक्शा लोकेशन वाली चीज़ देखें, यहाँ पे उस वक्त तो ये ट्रैफिक रोड इतनी पब्लिक तो नहीं होती होगी ना जो अब है। इस दौर में आज से 600 साल पहले की बात है, यानी कुछ साल कम। और ये इसके जाली हैं साइड से, ये वो परनल है जहाँ से छत का पानी बह के ना नीचे आता है, ये भी अभी तक बाकी है। अब आ चुके हैं अपने गाड़ी के पास, चलते हैं अब वापस फुजेरा वाले साइड पे। थक चुके हैं भैया, मस्जिद काफ़ी दूर है, पार्किंग हमें यहाँ इतनी दूर मिली। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये सीनरी भी चेक करें, कोशिश करते हैं अगर हमें आगे पार्किंग मिल जाए अल्लाह करे तो हम गाड़ी को पार्क करके ना यहाँ से खड़े होकर आप यहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको, नहीं तो फिर यही व्यू आपको देख रहे हैं ना इस वक्त। ये देखें काफ़ी सारे तादाद में लोग आए हुए हैं माशाल्लाह हैं, ये ऊपर से पानी आ रहा है और ये पब्लिक। व्यूअर पार्किंग नहीं मिली हमें, काफ़ी दूर आ गए वहाँ से फिर भी पार्किंग नहीं मिली, और नमाज भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर नमाज पढ़ ले मगरिब और इशा दोनों जमा करके, और गाड़ी हमारी खड़ी है उधर आखिर में, तो पब्लिक चेक करें आप, मस्जिद चेक करें, कितनी खूबसूरत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। व्यूअर घर पहुंच चुके हैं, थक भी गए, सफ़र ने हमें नहीं थकाया लेकिन जितनी ट्रैफिक थी ना ट्रैफिक ने हमें थका दी। और टाइम हो रहा है, टाइम चेक करें क्या टाइम हो रहा है, 12:30 बजने वाले हैं। तो उसके बाद ठीक है व्यूअर, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखियो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।